पत्नी और बेटी की हत्या के बाद आरोपी ने किया सुसाइड। यमुनानगर जिले के गोविंदपुरी से डबल मर्डर का मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और 1.5 साल की मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अंबाला की ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि अनिल और आशा ने 8 साल पहले लव मैरिज की थी। इनकी एक 6 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा था। बेटी अपनी दादी के पास रहती है। अनिल आशा अपने 1.5 साल के बेटे के साथ गोविंदपुरी में अस्पताल की ओर से मिले मकान में रहते थे। दोनों यमुनानगर के गाबा अस्पताल में काम करते थे। अनिल आईसीयू और आशा डायलिसिस वार्ड में काम करती थी। इस दौरे हत्याकांड का तब पता चला जब अस्पताल में काम करने वाली दूसरी नर्स कुसुम अपने शिफ्ट से वापस लौटी। मिली जानकारी के मुताबिक उसने आशा के 1.5 साल के बेटे सार्थ को आवाज लगाई, तब भी कोई नहीं आया। जिसके बाद जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। आशा और बच्चे का शव देख उसने इसकी सूचना पुलिस और अस्पताल प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुट गई। वहीं इस दोहरे हत्याकांड पर अस्पताल के डॉक्टर रिपुदमन गाभा ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले कभी उनके सामने इनके विवाद की कोई बात सामने नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं पुलिस इस मामले में अवैध संबंधों से लेकर हर पहलू से जांच में जुटी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।